सरकारी अमले में चाहे कोई कर्मचारी हो या फिर अधिकारी, सबसे यह उम्मीद की जाती है कि वे नैतिकता के दायरे में रहकर उनके लिए बनाई गई आचरण संहिता पर अमल करेंगे। स्टॉप। लेकिन लोक सेवक के रूप में पद की ठोस का इस्तेमाल होने लगे तो इससे नौकरशाही का ऐसा रूप सामने आता है जो जनता के बीच सरकारी कारिंदों के छवि की बदनुमा तस्वीर पेश करती है। स्टॉप। ताज़ा मामला अजमेर का है जिसमें एक भारतीय प्रशासनिक सेवा व एक भारतीय पुलिस सेवा के अफसर ने अपने मातहतों को साथ लेकर एक होटल कार्मिकों से न केवल मारपीट की बल्कि इस अपराध पर पर्दा डालने की भी भरपूर कोशिश की। स्टॉप। संगठित गिरोह की तरह हमला करने की यह घटना फौलाद कही जाने वाली देश की सबसे उच्च सेवा के अधिकारियों के आचरण पर तो सवाल खड़ा करती ही है। प्रशासनिक ढांचे में शामिल लोगों की खुद को कानून से ऊपर समझने की प्रवृत्ति की ओर इशारा करती है। स्टॉप। हैरत की बात तो यह है कि इस घटना को लेकर दोषियों पर कार्यवाही करने की बजाय प्रशासनिक और पुलिस अमला घटना को दबाने में ही जुटा रहा। स्टॉप। वह तो सीसीटीवी फुटेज ने इन अफसरों की करतूत की पोल खोल दी, पर जिस तरह से तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया वह तो मिलीभगत की ओर इशारा करने वाला ही है। स्टॉप। पैरा। जिन अफसरों के कंधों पर जिले की कानून व्यवस्था संभालने का दायित्व रहता है उनसे भला ऐसे अशोभनीय आचरण की उम्मीद कैसे की जा सकती है। स्टॉप। ऐसे अफसर ही जब पद के रोब में समाज कंटकों की तरह संगठित रूप से होटल पर हवा बोल दें और दूसरे पक्ष से मारपीट पर आमादा हो जाएं तो उनसे कानून की रखवाली करने की उम्मीद कैसे की जाए। स्टॉप। निसंदेह ऐसी घटना समूचे तंत्र से जुड़े अमले की प्रशिक्षण प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। स्टॉप। प्रशिक्षण में कमी का ही नतीजा है कि आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। स्टॉप। मामला उजागर होने के बाद सरकार ने दोनों अफसरों व कुछ कार्मिकों को निलंबित कर जरूर कर दिया है, लेकिन मामला रफा दफा करने के जतन भी होने लगे तो कोई अचरज नहीं। स्टॉप। इन अफसरों के साथ दोषी वे भी हैं जिन्होंने इनको बचाने का प्रयास किया। स्टॉप। ऐसे घटनाक्रमों को लेकर नरमी दिखाई तो यह नया चलन बन जाएगा। पैरा।